वेलकम टू एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। हम कुछ ऐसे कंपनीज का नेम बताएंगे, एक्चुअली मैं 7 कंपनीज का ऐसे नेम बताएंगे जो कि ब्लू चिप कंपनी है एंड उसमें इन्वेस्ट करने से आपको एक हाई डिविडेंड अमाउंट भी मिलेगा। अब ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? तो ब्लू चिप कंपनीज मीन्स होता है लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और हमारा स्मॉल कैप आती है। तो उसमें से लार्ज कैप कंपनीज ही ऐसी हैं जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक हाई डिविडेंड अमाउंट मिलेगा। तो कौन कौन सी कंपनीज है वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली में जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो 1 लाख करोड़ से अबव अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है तो वो लार्ज कैप कंपनी के अंडर आ जाती है। तो फर्स्ट जो कंपनी हमारा है वो हिंदुस्तान जिंक LTD है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1,27,203 करोड़ रुपीज़ है और डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई कितनी, 5.98% डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई। और डिविडेंड अमाउंट जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, जो कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसमें से शेयर होल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है परसेंटेज, दिस इज डिविडेंड अमाउंट। तो देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये कंपनी क्या है, तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जिंक LTD माइनर है, ठीक है, लीड माइनर बोल सकते हैं, दिस इज जिंक लीड माइनर। एंड ये हमारा क्या है, लीड स्मेल्टर प्रोड्यूस करता है, पायरोमेट्रोलॉजिकल लीड जिंक स्मेल्टर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे H2SO4। देन ये जो प्रॉफिट अर्न की है विद इन 5 ईयर्स की ये डेटा है, 5 ईयर्स में जो प्रॉफिट अर्न की है वो 22.72% की प्रॉफिट अर्न हुई है और इसमें से आपको 5.98% डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेकेंड आती है हमारी टाटा स्टील LTD, टाटा स्टील को सबको जानता होगा, टाटा कंपनी को। देन इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है टाटा स्टील LTD की 1,28,810 करोड़ रुपीज़ है और डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई 4.84%। और 4.84% कहाँ से हुई है, तो देखिए प्रॉफिट जो हुई है उससे हुई है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, रॉ एंड फिनिशिंग मटेरियल दोनों प्रोड्यूस करते हैं एंड 12.04% की इसमें प्रॉफिट हुई है विद इन 5 ईयर्स में एंड इसमें से 4.84% डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिविडेंड अमाउंट। तो दो कंपनीज हो गए, हम टोटल 7 कंपनीज देखने वाले हैं। तो आगे चलिए देखते हैं, थर्ड कंपनी हमारी आती है बजाज ऑटो, जो कि हमारी इट इज द फर्स्ट 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर कंपनी है इन द वर्ल्ड, पूरे होल्ड वर्ल्ड में 2-व्हीलर और 3-व्हीलर कौन निकाले था, तो बजाज ऑटो ने निकाला था। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,02,086 करोड़ रुपीज है एंड डिविडेंड अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो 3.97%। कहां से, तो प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट जो हुई है 20.89% हुए, इसमें से डिविडेंड अमाउंट शेयर होल्डर्स को 3.97% दी गई है और ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी है। फोर्थ नंबर में आती है हमारी टेक महिंद्रा कंपनी। तो टेक महिंद्रा कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,01,638 करोड़ रुपीज है एंड डिविडेंड अमाउंट दिख रहा है 3.89% डिस्ट्रीब्यूट की गई, कितने से, तो प्रॉफिट हुए 17.89% से, यहाँ पे 3.89% डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और ये जो टेक महिंद्रा कंपनी है वो एक्चुअल में क्या है, तो इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ था। अब फिफ्थ नंबर में हमारी कंपनी आती है, वो है हमारा HCL कंपनी। तो HCL कंपनी एक्चुअल में क्या है, तो अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशन इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाती है IT इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड हमारा डिजिटल प्रोसेस ऑपरेशंस भी कुछ कुछ करवाती है एंड डिजिटल एंड एनालिटिकल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2,98,728 करोड़ रुपीज है, ठीक है, एंड डिविडेंड अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो 3.82% और प्रॉफिट जो हुई है 20.69% की प्रॉफिट हुई है। तो इस प्रॉफिट से 3.82% डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। देन उसके बाद आती है ITC कंपनी। तो ITC कंपनी जो है ये एक्चुअल में क्या है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक्चुअल में इसको हम लोग जानते हैं एक और तरीके से, नॉन एज इट्स टोबैको बिजनेस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक्चुअली में HCL से ज़्यादा है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,21,702 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट ये जो हमारी ITC कंपनीज क्या क्या करती हैं, तो कुछ पैकेजिंग करती हैं, पेपर बोर्ड्स बनती है, जो बोर्ड के जो पेपर होते हैं
टेंथ ट्वेल्थ बोर्ड के पेपर पेपर बोर्ड्स बनाती, सॉफ्टवेयर स्पेशलिटी पेपर्स बनाती हैं एंड एग्री बिजनेस भी करवाती है। एग्री बिजनेस होती है एग्रीकल्चर जो बिजनेस होती है वो भी करवाती है। तो इसकी जो प्रॉफिट हुई एक्चुअल में वो 22.42% की प्रॉफिट हुई है, बट ये जो डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो पिछले जो कंपनियां से बहुत कम किया गया है, 3.36% ही डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए है एंड ये प्रॉफिट भी ज़्यादा है बट डिविडेंड अमाउंट थोड़े कम डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो लेवल वाइज लेवल्स में बता रही हूँ कि डिविडेंड अमाउंट पहले हाई कंपनीज कौन डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद कौन, इस तरीके से हमारी प्रोसेस आ चुकी है जो कि 6 कंपनियाँ में कंसिडर कर चुकी हूँ। अब बचती है एक लास्ट कंपनी। अब जो हमारी 7th नंबर में कंपनीज आ रही है वो है JSW स्टील LTD। ये कंपनीज स्टील एंड आयरन प्रोड्यूस करती है। बेसिकली बोला जाए तो होल्डिंग कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है ऑफ किसकी, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट की। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1,73,120 करोड़ रुपीज़ है एंड इसकी जो प्रॉफिट हुई है वो 13.26% की प्रॉफिट हुई है, बट जो डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3.02% के डिविडेंड अमाउंट प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है शेयर होल्डर्स को। तो ओवरऑल अगर 7 कंपनीज को एनालाइज करें तो जो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है तो ये निकल के आता है कि ये हमारे हाई डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मींस प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कि हाई डिविडेंड अमाउंट दे रही हैं और ये हमारी ब्लू चिप कंपनीज भी है। इसमें तो एक्चुअली में क्या होता है कि कंपनीज आर सस्टेनेबल है, ठीक है, कंपनीज सारे जितने भी 7 कंपनीज थे वो सारे सस्टेनेबल कंपनीज ही हैं। एंड क्या है कि इसमें और एक अच्छी बात ये थी कि स्टॉक्स जो थे कंपनीज के वो भी क्या दे रहे थे, अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे कि देख रहे हैं 13.26% की रिटर्न मिल रही, कहीं पे 20% की रिटर्न मिल रही थी, कहीं पे हमारा 28% की रिटर्न मिल रही थी। तो स्टॉक्स भी जो थे कंपनीज के वो भी अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे थे एंड कंपनीज गिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है। फाइनेंशियल स्टेबल है हमारा कंपनीज, जो भी 7 कंपनीज थी वो फाइनेंशियल स्टेबल थी। बोले कि कंपनीज में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, मींस ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद वगैरह से स्मॉल कैप होती है तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है या फिर डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारा लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी सेफ होती है, पता है, ठीक है। तो अगर ये कंपनीज आपको समझ में आई, ये वीडियो समझ में आई और इसमें क्या हुआ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें सारे वीडियोस को। थैंक यू सो मच।